नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूँ आपके साथ महेश जे। नगरी निकाय चुनाव को लेकर जावत विधानसभा की नगर परिषद सर्वानिया महाराज पहुंचे। हमारा शहर हमारा नेता कैसा उसको लेकर वार्ड नंबर एक है। यहाँ के कांग्रेस के अधिकृत जो प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ में जगदीश जी राठौर से बात करेंगे। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है और पार्षद बनने के पीछे क्या सोच है? जगदीश, सबसे पहले जानना चाहूंगा, पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस जनता के बीच जाएगी, क्या कुछ सोच है विकास की? देखो, मेन मुद्दा तो यह है, महंगाई है, महंगाई से लोग परेशान है और भी बहुत सारे मुद्दे जैसे महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है। नगर स्तर पर स्थानीय नगरी निकाय चुनाव है तो अपन नगर की बात करें, नगर स्तर पर क्या मुद्दे हैं? नगर इकाई में जो हमको मौका मिला है, कांग्रेस पार्टी ने हमको मौका दिया है, हम हमारे वार्ड का पूरा विकास करेंगे और विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। भाजपा भी विकास का दावा कर रही है, लगभग परिषद जो बनी थी 5 साल में काफी विकास करा है, क्या हकीकत है? कांग्रेस का क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर? कांग्रेस की प्रतिक्रिया, जहाँ जो विकास दी वहाँ पहली प्राथमिकता हमारी विकास की रहेगी। विकास हुआ है मानते हैं आप इस चीज़ को? हुआ, विकास भी हुआ है और कुछ कमियां हैं वो हम पूरी करेंगे। लगातार आप अभी वार्ड नंबर एक में लोगों के बीच जा रहे होंगे, क्या लोगों की परेशानियां हैं या लोग भाजपा से खुश हैं या कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर उनके बीच जा रही है? कांग्रेस मेन मुद्दा तो महंगाई का लेके जा रही है और वार्ड की बहुत सारी समस्या है, इन समस्या को हम सुन रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जनसंपर्क भी कर रहे हैं, उसका हमको मिल रहा है फायदा। कांग्रेस के लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस के बागी उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है, तो आपको क्या लगता है कितना चुनौती भरा चुनाव होगा और नतीजे क्या होंगे? देखो, चुनाव टिकट मांग सभी करते हैं और अब टिकट की मांग उन्होंने करी है, उनको टिकट नहीं मिला है, पार्टी ने हमें मौका दिया है तो हम पूरे पूरे प्रयास करेंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखो, मेहनत कर रहे हैं, जीत तो जीत क्या संपूर्णता है, आश्वस्त कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस का नगर अध्यक्ष बैठेगा इस बार या कोरम कितना आ पाएगा? ये तो आप लोगों को ज्यादा पता है। उम्मीद क्या है, कांग्रेस का क्या दावा है? मीडिया वालों को पता ज्यादा है कि क्या चल रहा है सर्वे में, क्या नहीं चल रहा है। कांग्रेस का क्या दावा है? हम तो पहले चुनाव तो जीते, बाकी बातें बाद में होगी। इस वक्त हमारे साथ में जो कांग्रेस के नगर मंडल अध्यक्ष है कंवर लाल जी पाल भी हमसे चर्चा करेंगे, आखिर कांग्रेस की पूरे चुनाव का जो दायित्व है, कहीं ना कहीं 15 वार्डो में प्रत्याशी उतरे हुए हैं, क्या चुनाव परिणाम होंगे, मुख्य कांग्रेस के मुद्दे नगर को लेकर क्या है? कंवर लाल जी, सबसे पहले सवाल करना चाहूंगा, 5 साल 7 साल भाजपा की सरकार भी रही है, लगभग विकास का वो दावा कर रहे हैं, कांग्रेस क्या सोचती है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच 15 वार्डो में आप जा रहे हैं? कांग्रेस 15 वार्डो में मजबूत है और मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे हम। किस प्रकार की समस्याएं मुख्य लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या सामने आ रही, पीड़ा क्या है लोगों? ये है कि प्रधानमंत्री आवास भी मिले हैं तो उनमें जो कमी रही वो हम पूरी करेंगे, जो पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले हैं उनको दिलाएंगे, जहाँ नाली वगैरह नहीं बनी है वहाँ नाली वगैरह बनवाएंगे, विकास कार्य करवाएंगे। प्रधानमंत्री आवास में लगभग शिकायतें भी काफी पहुंची, कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कांग्रेस किस एंगल से सोचती है और हकीकत कांग्रेस क्या कहना चाहती है इसको लेकर? आरोप तो लगे, अब ये तो हम, हमारे पास ये तो प्रूफ नहीं है कि भ्रष्टाचार कहाँ हुआ क्या नहीं हुआ, बाकी आरोप लगे बराबर के प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार हुआ है। 15 वार्डो में आपके उम्मीदवार है, कई वार्डो में आपके बागी उम्मीदवार भी हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या वहाँ आपके लिए कांग्रेस के लिए वोट बैंक माइनस होगा, क्या स्थिति रहेगी? बागी उम्मीदवार से तो कांग्रेस का तो ज़्यादा नुकसान नहीं होना है, सिंबल का चुनाव है तो कांग्रेस बराबर जीतेगी। कितने वार्डो में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी, उम्मीद क्या है? 8 से 9, मतलब आपका वोट बनेगा? हाँ, बराबर बन रहा है, वोट बन रहा है। और मेन जो सब आखिरी सवाल है मेरा, लगभग जनता के बीच जा रहे हैं, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, जनता क्या चाहती है, क्या लगता है आपको? जनता तो कांग्रेस के पक्ष में बराबर, 5 साल पिछले जो निकले हैं वो जनता बता रही है कि भाई ये समस्या रही, हमारे राशन कार्ड की रही है या फिर विधवा पेंशन की रही है। विकास के दावों को लो आखिरी सवाल है कि भाजपा जो दावा कर रही है उसको लेकर कांग्रेस क्या मानती है, कि वाकई में विकास हुआ है या हकीकत क्या है? तो विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार हुआ है, हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, इसलिए मेन वादा ये है। समय पे पानी, जनता जनता क्या कहती है, क्या जनता क्या कहती है, समर्थन में है, क्या है जनता? समर्थन में है बराबर, लगता है सफलता मिलेगी, 101% मिलेगी। परचम किसका होगा, भाजपा कांग्रेस का? कांग्रेस का। आप पार्टी भी इस बार में चुनाव, आप पार्टी सबसे अहम सवाल है, आप पार्टी भी चुनावी मैदान में, आप ही का जो उम्मीदवार है वो पार्टी चेंज करके आप पार्टी में चला गया, तो क्या लगता है भाजपा के लिए मुसीबत रहेगा, आपके लिए रहेगा, या हालात क्या रहेंगे आपके लिए? आप पार्टी के तो ये है कि वो जमानत बचा पाए, वो बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है कैंडिडेट भी आप ही का है? नहीं तो आप पार्टी का है, वो तो हमारे गए क्यों, गए क्यों, गए क्यों, ये उनकी ज्यादा मतलब उत्सुकता होगी, विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है उनकी, ऐसा सुनने में भी आया कि आप पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कैंडिडेट उतारे। इसलिए ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर एक के जो प्रत्याशी थे अधिकृत, वो भी हमारे साथ में थे, साथ ही साथ नगर मंडल अध्यक्ष, इन्होंने बोला किस प्रकार से 15 वार्डो में इनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं, साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त जो है नगर बनाने को लेकर ये लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क भी किया जा रहा है, देखना ही होगा
कांग्रेस भी दावा कर रही है, भाजपा भी दावा कर रही है, आप पार्टी भी अपना नगर अध्यक्ष बनाने का दावा कर रही है, आगामी दिनों में चुनाव के नतीजे क्या होते हैं और जीत का परचम कौन लहराता है।